2004 से फिर 2009 और फिर 2009 से लेकर 2014 का कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल किसी से छिपा नहीं है। कितनी भ्रष्टाचार की घटनाएं उजागर हुई, कितने लोगों को जेल तक पहुंचाया गया। हालांकि बीजेपी के सत्ता में आते ही देश में एक बार फिर कानून व्यवस्था स्थापित हुई और किसी भी निर्दोष को सजा होने से तो बचाया ही गया, साथ ही सरकार पर किसी भी तरह के घोटाले का कोई भी आरोप नहीं है। हाँ, राफेल डील को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भुनाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। और अब लोकसभा चुनाव भी है तो फिर पार्टियों के बीच रस्साकशी तो होनी ही है, कभी किसी बयान को लेकर तो कभी किसी प्रत्याशी को लेकर। अब भोपाल सीट पर ही देख लीजिए, बीजेपी ने तो भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के खिलाफ नहीं उतारा है। लेकिन चर्चा है कि क्योंकि दिग्विजय सिंह ने देश में हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म दिया, इसलिए बीजेपी इनके खिलाफ किसी हिंदू को ही मैदान में उतार सकती है जो उन्हें पटखनी दे सके। और इस सूची में सबसे ऊपर नाम है मालेगांव ब्लास्ट केस से सबूतों के अभाव में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा का। हालांकि साध्वी प्रज्ञा के बाद मक्का मस्जिद धमाका केस से चर्चा में आए स्वामी असीमानंद, मालेगांव धमाका में आरोपी करार दिए गए लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का नाम भी है। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें अपने शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद के पोस्टर बॉयज के रूप में पेश किया था। स्थानीय नेताओं के तौर पर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर भी विचार चल रहा है, लेकिन अगर बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना है तो साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का ही नाम आगे है, जिन नामों से खुद शिवराज सिंह चौहान को भी आपत्ति नहीं है। साध्वी खुद को दुश्मन को परास्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार मानती है, उनकी जिंदगी पर लगे धब्बों को भूल नहीं पाई है। इस सब से जो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हुई हैं, उसके लिए दिग्विजय सिंह ही जिम्मेदार है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि क्योंकि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है, ऐसे में 16 साल बाद चुनाव लड़ने जा रहे दिग्विजय सिंह को साध्वी प्रज्ञा कड़ी चुनौती दे सकती है, या फिर इन तीनों में से किसी को भी चुनावी मैदान में उतारना कांग्रेस के गेम को हल्का कर बीजेपी को भारी कर सकता है। असीमानंद के आने से पश्चिम बंगाल में पार्टी को लाभ होगा, क्योंकि वो मूल रूप से वहीं से हैं, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के आने से महाराष्ट्र में पार्टी को लाभ होगा, क्योंकि वो मूल रूप से वहीं के रहने वाले हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा को अगर दिग्गी के खिलाफ मैदान में उतारा जाता है तो मध्य प्रदेश में तो फायदा होगा ही साथ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी लाभ होगा। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी भोपाल सीट से दिग्गी के खिलाफ किसे मैदान में उतारती है, क्योंकि बीजेपी के पास कांग्रेस की तरह लोगों का सूखा नहीं है। बीजेपी के पास बहुत से जिताऊ लोग हैं जिन्हें टिकट देने पर उनकी जीत निश्चित ही है। बता दें कि 1993 से 2003 तक लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद और 2003 में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिग्विजय सिंह ने अगले 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था और राज्य की राजनीति से भी मुंह फेर लिया था। 2013 में उनके चुनाव न लड़ने का समय खत्म हुआ और वो साल 2014 में ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेकरार थे, लेकिन उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया।